क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार दर्शकों, आज बात करने वाले हैं बुद्धि के देवता एवं ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह के राशि परिवर्तन से। अगले 20 दिनों तक आपकी राशि में जीवन में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। एक बार स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का पुनः। तो दर्शकों, 7 फरवरी 2023 को बुध ग्रह धनु राशि से निकलकर सुबह 7:38 पर अपने मित्र शनि देव की राशि मकर राशि में प्रवेश करने वाले और मकर राशि में वो 27 फरवरी 2023 में शाम को 4:54 तक गोचर करते रहेंगे। अर्थात कि 7 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक बुध का अपने मित्र शनिदेव की राशि मकर राशि में गोचर चलता रहेगा और अगले 20 दिनों तक बुध के इस गोचर से जहां कुछ राशि वालों को धन संपत्ति शिक्षा कैरियर पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, कार्य व्यापार में लाभ होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बुध के इस राशि परिवर्तन से बुध देव कुछ राशि वालों को बनाएंगे धनवान, लेकिन वहीं कुछ राशि वालों को रहना है सावधान। इस कार्यक्रम में आप जान पाएंगे कि वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिसको बुध देव कर देंगे मालामाल। बुध, आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्रों में, एक बार पुनः बता दें कि बुद्धि के देवता तो वो है ही है, बुद्धि के देवता के साथ साथ ग्रहों के राजकुमार भी मानते हैं। इसके साथ ही वाणी अर्थात कि बोल, हम लोग जो बोलते हैं, बोलचाल, संवाद, जो हम लोग संवाद स्थापित करते हैं, कम्युनिकेशन आप इसे बोल सकते हैं, तर्क क्षमता, इन सब पे बुध का विशेष प्रभाव माना गया है। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी जातक या जातिका के जन्म कुंडली में बुध ग्रह मजबूत हो तो जीवन के हर क्षेत्रों में सफलता अर्जित करके वो शिखर को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर बुध कमजोर हो तो जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से हम परेशान भी हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बुध के इस गोचर परिवर्तन से अगले 20 दिनों तक मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों के जीवन में क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि से, फिर क्रमशः बारी बारी से सभी बाकी बचे हुए राशि जैसे कि वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन राशि वालों के जीवन में क्या कुछ प्रभाव होगा, इन सभी बिंदुओं पर विचार करने वाले दर्शकों। सबसे पहले चलिए आइए बात करते हैं कि बुध के इस राशि परिवर्तन से काल पुरुष की प्रथम राशि मेष राशि वालों के जीवन में क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। मेष राशि वाले बुध आपके तृतीय एवं छठे भाव के स्वामी हैं एवं बुध अब आपके दसवें भाव में गोचर करने वाले हैं। दसवां भाव आप सभी जानते हैं कि वो कर्म का भाव है, जहां से मुख्यतः कैरियर का विचार भी किया जाता है और वहां से सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, सुख भाव को देखेंगे, माता के स्थान को देखेंगे, सुख संपत्ति के स्थान को देखेंगे, तो उस भाव को भी विशेष रूप से प्रभावित करने वाले। अब बुध का यह गोचर अगर मेष राशि वालों के लिए देखें तो चौमुखी विकास, चौमुखी सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इस अवधि काल में आपके द्वारा लिए गए फैसले आपको काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस गोचर में बुध आपके बुद्धि को काफी तेज कर देगा और जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिल सकता है, यहां तक कि कार्यस्थल पर आपके प्रभाव में भी वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में आ रही समस्याओं में भी कमी आने के संकेत दिखाई दे रहे।
आपके पराक्रम, आपके उत्साह में भी वृद्धि होगी एवं घर परिवार में भी किसी शुभ कार्यों पर धन का खर्च हो सकता है। धर्म कर्म के प्रति आपकी अभिरुचि बढ़ने वाली है। कोई धार्मिक स्थल पर दर्शन करने का मौका भी आपको मिल सकता है। पिछले दिनों किए हुए कार्यों में भी आपको सफलता मिल सकता है। धन लाभ एवं उन्नति के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। भाई बहनों से मेल मिलाप और परिवार में भी खुशी और उल्लासपूर्ण माहौल रहने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस राशि के व्यापारी वर्ग अपने काम काज को विस्तार देने के बारे में सोच सकते हैं और इस राशि के कुछ जातकों को प्रेम विवाह की बात पक्की होने के योग भी बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन शानदार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इस गोचर काल में आपको भाग्य का भी ठीक ठाक साथ मिलने वाला है। तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों को या फिर विद्यार्थी वर्गों को भी यह गोचर लाभदायक जाता हुआ दिखाई देगा। शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर काफी उत्तम जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब आइए बात करते हैं काल पुरुष की दूसरी राशि वृषभ राशि वालों पर बुध का यह गोचर का क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले बुध आपके द्वितीय एवं पंचम भाव के स्वामी हैं और अब आपके नवम भाव अर्थात की भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। बुध का यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। बुध के इस गोचर काल में आप कई कार्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे एवं भाग्य का साथ भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। आपके आर्थिक स्थिति को भी देखें तो पहले के अपेक्षाकृत अधिक मजबूती होने वाली है। धन लाभ के भी आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे तथा संचित धन में भी वृद्धि होने वाली। संचित धन का शब्द का उल्लेख जब भी करें तो इस बात को समझें कि जमा धन एक होता है कि आ रहा है जा रहा है ना, एक आप इसको एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं कि एक होता है बटुए में धन, ठीक है, बटुए में खर्च के लिए आदमी रखता है, एक होता है कि आप अपने लॉकर में रखते हैं, तो लॉकर का धन संचित धन हुआ है ना। तो अगर इस अवधि काल में अगर आपका कोई पैसा अटका हुआ है तो वो भी वापस मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान लोग आपकी बातों से बहुत अधिक प्रभावित होने वाले हैं। कठिन से कठिन कार्य को भी आप अपने बोलने की कला अर्थात की वाणी एवं कार्य करने की भी कुशलता के आधार पर कामयाबी अर्जित कर पाएंगे। इस दौरान घर का माहौल भी सुखद रहेगा एवं परिवार में भी सहयोग पूर्ण माहौल आपका बना रहेगा जिसके वजह से आप भी प्रसन्नचित रहने वाले। माता जी के स्वास्थ्य में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। कार्य व्यापार में भी धन लाभ के एवं प्रगति होने के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। कार्यस्थल पर आपके कार्यों की प्रशंसा भी हो सकती है और कार्यस्थल पर आपके प्रभाव में भी वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी के तलाश में हैं या कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। समय का भी कुछ साथ आपको मिल सकता है। धर्म कर्म अध्यात्म योगा इन सब विषयों में भी आपकी अभिरुचि बढ़ सकती है। वहीं विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर काल उनके जीवन में चार चांद लगाने वाला साबित हो सकता है। आप यदि किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई इंटरव्यू आपने दे रखा है या देने जा रहे हैं तो उसका यदि परिणाम की बात करें तो वह आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आप किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको सफलता मिल सकता है। प्रेमी जोड़े को इस राशि के लोगों को भी प्रेम विवाह पक्के होने के योग बन रहे हैं तथा अविवाहित जातकों की यदि बात करें तो विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी
मधुरता का एहसास होने वाला है और आप दोनों एक दूसरे की और भी नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आइए बात करते हैं कि काल पुरुष की तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि, जिसके स्वयं स्वामी भी हैं बुध देव, तो मिथुन राशि वालों के जीवन में बुध के इस गोचर से अगले 20 दिनों तक क्या कुछ सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलने वाला है। मिथुन राशि वाले, जैसा कि अभी आपको बताएं कि बुध देव तो आपके राशि के स्वामी हैं, इसके साथ ही आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं और बुध देव अब आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले। बुध का यह गोचर आपके लिए मिश्रित प्रभावकारी हो सकता है। इस अवधि काल में विशेष करके आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान अधिक रखना चाहिए। बेवजह में किसी से भी ना ही उलझे तो यह आपके लिए बेहतर होगा। इस अवधि काल में कोई भी बड़ा निवेश भी बहुत सोच समझ कर ही करें, अन्यथा नुकसान होने का भय भी बना हुआ है। अगर अधिक जरूरी ना हो तो किसी को भी उधारी देने से आपको बचना चाहिए। माता जी के स्वास्थ्य पर भी आपको विशेष ख्याल रखना होगा। घर परिवार में परिस्थितियां कुछ तनावपूर्ण हो सकती है, आपको भी अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखने की जरूरत है। याद रखें, बातचीत करते समय आप जितने मृदुभाषी होंगे परिस्थितियां उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि इस दौरान आप ऐसी गतिविधियों में भी अधिक भाग लेने वाले हैं जिससे आप अपने जीवन में खुशियां को प्राप्त कर सके। वहीं कार्यक्षेत्र की यदि बात करें तो तमाम प्रकार की संघर्षपूर्ण परिस्थितियां रहने के बावजूद भी निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। कामकाज में अन्य ग्रहों का भी साथ मिलने के वजह से आपको भाग्य का साथ मिल सकता है और कार्य व्यापार में आपकी व्यस्तताएं बढ़ सकती है। धन संचय करने में भी कुछ मदद मिल सकता है एवं सरकारी क्षेत्रों में कार्य करने वाले जातक को एक सलाह है कि वो लापरवाही ना करें, अन्यथा आपको कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए आपको अधिक प्रयास करना होगा। खास करके आपको अपने स्वभाव में क्रोध नहीं पनपने देना चाहिए, क्योंकि क्रोध के वश में कोई भी ऐसी बात ना बोल दे जिससे आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ जाए या फिर आपके किसी बात का सामने वाले को दुख पहुंच जाए। इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना। विद्यार्थी वर्गों को भी अच्छे परिणाम लाने के लिए अधिक संघर्ष करने की जरूरत है। प्रेम संबंध की यदि बात करें तो अनबन ना हो जाए, इस बात को लेकर भी आपको सावधान रहना होगा। हालांकि फिर भी लव लाइफ कुल मिला के ठीक ठाक ही जाएगा। और संतान प्राप्ति के इच्छुक जातकों की यदि बात करें, अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको अपने प्रयासों में सफलता मिल सकता है, हो सकता है। अगर आप फीमेल हैं तो आप कंसीव कर लें, अगर आप मेल हैं तो आपकी पार्टनर कंसीव कर सकती है। अब आइए बात करते हैं काल पुरुष की चौथे नंबर की राशि कर्क राशि वालों के जीवन में बुध के इस राशि परिवर्तन से अगले 20 दिनों तक क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। कर्क राशि वाले, बुध देव आपके द्वादश भाव एवं तृतीय भाव के स्वामी और अब आपके सप्तम भाव में बुध देव गोचर करने वाले। बुध का यह गोचर काल आपके लिए भी मिला जुला रह सकता है। इस अवधि काल में आपको अपने दांपत्य जीवन में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। जीवन साथी से कोई अनबन ना हो जाए, इस बात का आपको सदैव ध्यान रखना होगा। इस दौरान कार्य क्षेत्र में भी आप अपने ऊपर कोई दबाव महसूस कर सकते हैं। आपको कुछ कार्यों में देरी एवं विलंब का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसके वजह से आप कुछ मानसिक परेशानी में भी पड़ सकते हैं। परंतु याद रहे कि अगर आप लगातार लक्ष्य पे केंद्रित होकर परिश्रम करते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगा। इस अवधि काल में आप किसी को भी
पैसा बहुत सोच समझ कर ही उधार दें। अगर ये बोलें कि किसी भी प्रकार के आर्थिक लेन देन को बहुत सतर्कता पूर्ण करना चाहिए, अन्यथा आपको धन का कोई नुकसान भी हो सकता है। धन हानि के योग भी बन रहे हैं और फिजूल खर्ची पर भी आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है। इसलिए धन का खर्च आपको बहुत सोच समझकर करना होगा। हालांकि इस राशि के कुछ जातकों को कार्य क्षेत्र में बदलाव भी हो सकता है। वहीं व्यापारी वर्गों की बात करें तो जो लोग व्यापार में विदेश से जुड़े हुए हैं उन्हें कोई बहुत बड़ा काम मिल सकता है, लेकिन निवेश करते समय आपको सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। हालांकि अन्य ग्रहों के संयोग से आपको प्रोफेशनल लाइफ में आपके मेहनत रंग लाने वाली है तथा सफलता आपको भी अवश्य मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ अधिकारियों का सहयोग भी आपको मिल सकता है। वहीं इस राशि के विद्यार्थी वर्गों की यदि बात करें तो उनके लिए भी समय अनुकूल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सामाजिक क्षेत्र में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। लव लाइफ में स्थिति पहले से कुछ बेहतर होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस राशि के अविवाहित जातकों के लिए विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। इस राशि के लिए अगर बात करें तो इसी माह शुक्र का भी कुछ गोचर आपके लिए बहुत सकारात्मक प्रभाव दे जाएगा, खास करके कारोबारी वर्गों को कारोबार में काफी अच्छे लाभ दिला सकता है एवं आर्थिक पक्ष सुधारने में अन्य ग्रहों का आपको अच्छा खासा साथ मिल सकता है। अब आइए बात करते हैं कि बुध के इस गोचर से काल पुरुष की पांचवें नंबर की राशि सिंह राशि, जिसके स्वामी हैं सूर्यदेव, उनके जीवन में अगले 20 दिनों तक क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। सिंह राशि वाले, बुद्धि के दाता बुध देव आपके धन भाव अर्थात की द्वितीय भाव एवं आपके एकादश भाव अर्थात की लाभ का भाव, इनकम का भाव, प्रमोशन का भाव, प्रगति का भाव, तरक्की का भाव, उन्नति का भाव, इन भावों के स्वामी एवं अब आपके छठे भाव रोग ऋण शत्रु वाले भाव में गोचर करने वाले हैं। वैसे तो यह गोचर काल आपके लिए आप ये बोल सकते हैं कि शत्रु आप पे जितना मर्जी हावी होने का कोशिश करे, लेकिन आप शत्रुओं के सारे षड्यंत्र को विफल कर देंगे। लेकिन सतर्कता जरूर बरतना चाहिए क्योंकि आपके खिलाफ षड्यंत्र तो चल रहा है और हो सकता है तो जितना आप विवादों से दूर रहेंगे वह आपके लिए उतना ही उत्तम रहेगा। कार्य व्यापार के क्षेत्र में यदि देखें तो समय आपके अनुकूल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में हालांकि अधिक संघर्ष और परिश्रम आप करने वाले हैं, लेकिन इसका लाभ भी आपको जरूर मिलेगा। बस इस गोचर काल में आपको लक्ष्य के प्रति समर्पित होने की जरूरत है। सीनियर अधिकारी आपसे नाराज ना हो जाए इस बात का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि कुछ इस तरफ भी योग दर्शा रहा है। हालांकि कामकाज में व्यस्तताएं बढ़ने वाली है, कुछ समस्या आने के बावजूद भी प्रगति के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो लोग नई नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं उन्हें जॉब के कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन सेहत पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोई मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकता है। इस गोचर काल में आपको आर्थिक पक्ष में भी नजर रखने की जरूरत है। हालांकि इस गोचर काल में इस राशि के कुछ जातक मौज मस्ती में भी समय बिताने वाले हैं। एक बात का आपको सबसे अधिक ध्यान रखना है कि आप बेवजह के किसी राजनीति या पचड़े में ना फंसे, अन्यथा कोई लड़ाई झगड़ा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी से भी बातचीत करते समय किसी बात को भी अधिक तूल ना दें, उनकी नाराजगी नहीं तो आपको देखने को मिल सकती है। सेहत बाकी मामलों में ठीक ठाक रहेगा, थोड़ा बहुत मौसमी बीमारी का आपको बता दिए, उसका ख्याल रखना है। अब आइए बात करते हैं काल पुरुष की छठे नंबर की राशि कन्या राशि, जिसके राशि के स्वामी भी बुध हैं।
कन्या राशि वालों के जीवन में बुध के इस राशि परिवर्तन से, बुध के इस गोचर से अगले 20 दिनों तक क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। कन्या राशि वाले, जैसा कि अभी आपको बताएं कि बुध देव बुद्धि के दाता तो आपके ही राशि के स्वामी है, और इसके साथ साथ आपके कर्म भाव अर्थात कि दशम भाव के भी स्वामी हैं, जहां से कैरियर का विचार करते हैं, तथा अब आपके पंचम भाव में गोचर करने वाले। बुध का यह गोचर आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको कई शानदार अवसर प्राप्त होने वाले हैं। जो छात्र काफी समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सफलता मिलेगा ही, इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी कार्य करने वाले जातकों को काम काज में प्रगति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कार्य स्थल पर आपका प्रभाव भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एवं कठिन से कठिन कार्य को भी आप आसानी से पूरा कर लेंगे। इस अवधि काल में लटके हुए, अटके हुए, भटके हुए कार्य भी सही मार्ग पर आ सकते हैं, अर्थात कि कार्य को आप श्री गणेश या संपूर्ण समापन सफलतापूर्वक कर सकते हैं। वहीं इस राशि के जो लोग व्यापारी वर्ग हैं, उन्हें व्यापार में कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, एवं धन लाभ के भी अच्छे खासे संयोग बन रहे हैं। घर परिवार की बात करें तो माहौल सुखद रहने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। घर में कोई मांगलिक एवं धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है। इस दौरान परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए लोगों को कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम संबंध में आपको सावधानी बनाए रखने की जरूरत है, हालांकि फिर भी लव लाइफ आपके लिए अच्छा जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ अच्छे पल व्यतीत करने वाले हैं। सेहत के दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए बेहतर जाएगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बना रहेगा। अब आइए बात करते हैं बुध के इस गोचर काल से अगले 20 दिनों तक काल पुरुष की सातवें नंबर की राशि तुला राशि वालों के जीवन में 7 फरवरी 2023 से 27 फरवरी 2023 तक क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तुला राशि वाले, बुध देव आपके नवम भाव अर्थात की भाग्य भाव के स्वामी हैं, एवं द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, और अब आपके चतुर्थ भाव अर्थात की सुख समृद्धि के भाव में गोचर करने वाले। वैसे तो बुध का यह गोचर आपके अधिकांश क्षेत्रों में भाग्यशाली रहने वाला है। कुछ छोटी मोटी परेशानियों को छोड़ दें तो आपके लिए समय का साथ मिल सकता है। समय आपके लिए अनुकूल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके इस समय जो जातक विदेश में रहते हैं या विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में कोई पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें भी अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। इस राशि के व्यापारी वर्गों को कामकाज के सिलसिले से कोई दूर की यात्रा भी होने की संभावना बन रही है, जो कि आपके लिए लाभदायक हो सकता है। इसके साथ ही व्यापार में आपको तरक्की होने के योग भी बन रहे हैं, धन लाभ भी आपको अवश्य होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी बुद्धि और कौशल कला की प्रशंसा होने वाली है, एवं कार्य स्थल पर आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिल सकती है। कुछ कार्यों को पूरा करने में आपको भाग्य का साथ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि आर्थिक पक्ष में कुछ कुछ समय आपको उतार चढ़ाव का सामना देखने को मिल सकता है। आपको अपने माता जी के स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए। कोई छोटी मोटी परेशानी होने पर भी आप अपने डॉक्टर से उनका चेकअप अवश्य करवाएं या फिर उचित परामर्श अवश्य लें। घर परिवार में कुछ तनाव भरी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपने विवेक के इस्तेमाल करके सकारात्मक माहौल का निर्माण कर पाएंगे। बच्चों की उन्नति प्रगति से घर में खुशियों भरा माहौल का निर्माण हो जाएगा। प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से यह गोचर काल आपके लिए मिला जुला रह सकता है। जीवन साथी की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। अब आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले काल पुरुष की आठवीं राशि पर बुध के इस गोचर काल से क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है।
वृश्चिक राशि वाले बुध आपके अष्टम एवं एकादश भाव के स्वामी हैं तथा अब आपके तृतीय भाव में गोचर करने वाले। बुध के इस गोचर काल से आपके साहस एवं पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलने वाली है। बुध का यह गोचर आप बोल सकते हैं कि आपके लिए भी लाभकारी जाने के ही आसार नजर आ रहे हैं। इस अवधि काल में अकस्मात आपको कोई धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। यदि आप लंबे समय के लिए कोई निवेश करना चाहते हैं तो आपको समय का साथ मिल सकता है। हो सकता है कोई अच्छा निवेश आप करते हैं जिसका भविष्य में आपको लाभ अच्छा मिलेगा। आय के साधन भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एवं धन लाभ के अच्छे योग नजर आ रहे हैं। परंतु नौकरी पेशा वाले लोगों को अपनी कुछ आदतों को बदलने की जरूरत है, जैसे कि अपने काम को आप दूसरों पर ना टालें एवं आज के काम को आज ही निपटाएं, कल पर ना छोड़ें। यह आदत बुरी है, इस आदत को बदल डालें, अन्यथा आपको कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि काल में एक बात का आपको और ध्यान रखना है, किसी भी कागज या दस्तावेज पर साइन करने से पहले आप एक बार सरसरी नजरों से उसकी बारीकियों का अध्ययन अवश्य करें, अन्यथा आपके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा भी हो सकता है। कोई सौदा करते समय या किसी ने आपको बोल दिया किसी भी कागज पर साइन करने के लिए, तो जरूर एक बार कागज को चेक करें। और जीवन में कामयाबी प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के शॉर्टकट अपनाने से आपको बचना होगा, अन्यथा आप कोई मुसीबत में फंस सकते। इस राशि के लोगों को अपने भाई बहनों से बातचीत करते समय उचित शब्दों का चयन करना चाहिए, अन्यथा मन मुटाव की स्थिति देखने को मिल सकता है। परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति का सेहत खराब होने का भय बन रहा है। हालांकि प्रेम संबंध की बात करें तो अनुकूल जाता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अपने शुभ चिंतकों से उचित सलाह अवश्य। इसके साथ ही आपको इस गोचर काल में अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कोई मौसमी बीमारी आपको परेशान ना कर दे, इस बात का ध्यान रखें। खास करके ठंड से संबंधित कपड़ों का आप सही रूप से अभी भी इस्तेमाल करें, अन्यथा आपको कोई वायरल फीवर वगैरह भी होने का संकेत दिख रहा है। इस राशि के विद्यार्थियों की यदि बात करें तो समय का साथ मिलने से परिणाम उनके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं कि बुध के इस गोचर से 7 फरवरी 2023 से 27 फरवरी 2023 तक धनु राशि वाले काल पुरुष की 9वें नंबर की राशि वालों पर क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। धनु राशि वाले बुध आपके सप्तम भाव एवं दशम भाव के स्वामी हैं और अब आपके राशि से द्वितीय भाव अर्थात की मकर राशि में वो गोचर करने वाले। बुध के इस गोचर से आपके काम काज में जबरदस्त तेजी देखने को मिलने वाली है। आप काफी इस दौरान व्यस्त रहने वाले हैं और इस व्यस्तता का लाभ भी आपको जरूर मिलेगा। परिश्रम अब रंग लाने वाला है। कहते हैं ना कि परिश्रम का फल मीठा होता है, तो वो मीठा फल अब आपको जरूर नजर आएगा। जो लोग काफी समय से सरकारी नौकरी के तलाश में हैं या फिर कोई जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें भी कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कार्यस्थल पर आपके कार्यों की सराहना होगी। इस अवधि काल में कार्यस्थल पर आप किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाले हैं, जिसके वजह से जीवन में आपको कुछ अच्छी उन्नति तरक्की प्रगति देखने को भी मिलने वाला है। इस राशि के जो लोग साइंस एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं या शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत उपयोगी होने वाला है। तो वही बात करें इस राशि के विद्यार्थी वर्गों की, तो आपके अंदर संचार एवं कला कौशल तथा तर्क एवं वितर्क करने की शक्ति में वृद्धि होगी, जिसके वजह से आप इस अवधि काल में दूसरों से अपना संबंध स्थापित बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। घर परिवार में आनंददायक पल बिताने वाले हैं। वहीं इस राशि के व्यापारी वर्गों की यदि बात करें तो आप भी काफी बिजी रहने वाले हैं एवं बिजनेस में आपको अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। धन लाभ के तो कई अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे ही। इस गोचर काल में
आर्थिक पक्ष भी आपका पहले के मुकाबले काफी स्ट्रांग होने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी समय आपका साथ दे सकता है एवं दाम्पत्य जीवन भी पहले से काफी बेहतर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं कि काल पुरुष की अगली राशि मकर राशि अर्थात कि दसवें नंबर की राशि, जिस राशि में ही बुध अगले 20 दिनों तक 7 फरवरी से 27 फरवरी 2023 तक गोचर करने वाले हैं, ऐसे में आपके राशि में बुध का इस गोचर से क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। मकर राशि वाले, बुध देव आपके राशि स्वामी शनि देव के मित्र भी हैं और बुध देव आपके राशि से छठे भाव एवं नवम भाव के स्वामी हैं और अब बुध अगले 20 दिनों तक तो आपके ही राशि में गोचर करेंगे, लेकिन बुध का यह गोचर आपके लिए कुछ हद तक मिला जुला प्रभाव दे सकता है। कुछ क्षेत्रों में थोड़ा बहुत परेशानी देगा लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में आपको प्रगति दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। आपको इस अवधि काल में अपने सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है, कोई छोटी मोटी मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। हालांकि इस अवधि काल में शत्रु भी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। हालांकि आप सावधान रहेंगे तो आपके अंदर अदम्य साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी, फिर भी किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को दूर ही रखें, अन्यथा बेवजह में किसी लड़ाई झगड़े में आप फंस सकते हैं। हालांकि कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानी आने के बावजूद भी काम बनते रहेंगे, जॉब के कुछ नए अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस अवधि काल में सबसे अधिक जरूरी है कि आप अपने आप को जितना विनम्र बनाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इस गोचर काल में धनार्जन के भी अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, कामकाज के सिलसिले से कोई छोटी मोटी यात्रा होने के योग भी दिखाई दे रहा है जो कि आपके लिए लाभदायक जाता हुआ दिखाई देगा। आपका कोई पैसा मार्केट में यदि फंसा हुआ है, खास करके व्यापारी वर्गों की यदि बात करें तो कारोबार को आगे बढ़ाने में किए गए प्रयासों में सफलता मिल सकता है एवं आपके अटके हुए लटके हुए रुके हुए पैसे अचानक से मिलने के योग भी बन रहे हैं। प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने पार्टनर की भावनाओं का कद्र करना होगा, उनकी भावनाओं को हर समय अगर आप इग्नोर करते हैं तो इससे आपके रिश्तों में कोई गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। वैसे दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं कि बुध के इस गोचर काल में काल पुरुष की 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि वालों के जीवन में अगले 20 दिनों तक क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। कुंभ राशि वाले बुध आपके पंचम एवं अष्टम भाव के स्वामी है तथा अब आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। हालांकि बुध के इस गोचर काल में आपके जीवन में काफी कुछ सकारात्मकता नजर आने वाली है। जो भी कार्य आप काफी समय से पिछले दिनों में करना चाह रहे थे वो अब पूरा हो सकता है, सफल हो सकता है, आप खुद को काफी ऊर्जावान भी महसूस कर पाएंगे। आपके लिए आय के कुछ नए स्रोत भी खुल सकते हैं लेकिन आपको अपने फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की जरूरत है क्योंकि अकस्मात कोई धन के अतिरिक्त खर्च होने के योग भी बन रहे हैं। वहीं इस राशि के जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करना चाहते हैं या करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं या पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, इन सभी विदेश से जुड़े हुए किसी भी कार्य में आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। लेकिन इस अवधि काल में आपको अपने सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, मौसमी बीमारी से कुछ हद तक आप परेशान हो सकते हैं। इस अवधि काल में आप अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर ही आगे बढ़े, निवेश करते समय भी सावधानी बरतें, अन्यथा आपको नुकसान होने के संकेत दिख रहे हैं। इस गोचर काल में आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, अभी मैंने बताया, क्योंकि एक और बात का ध्यान रखना है, बहुत अधिक तेज गति से वाहन ना चलाएं। आपको इस गोचर काल में कोई चोट चपेट दुर्घटना आदि होने का भी भय बना हुआ है, इसलिए काफी सतर्क रहें। हालांकि लव लाइफ में अगर बात
देखें तो कुछ खट्टी मीठी तकरार होगी, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा और लव लाइफ भी ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं कि बुध के इस गोचर काल से काल पुरुष की अंतिम राशि 12वें नंबर की राशि मीन राशि वालों के जीवन में 7 फरवरी 2023 से 27 फरवरी 2023 तक क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। मीन राशि वाले बुध आपके चतुर्थ एवं सप्तम भाव के स्वामी हैं एवं अब आपकी राशि से एकादश भाव लाभ में गोचर करने वाले हैं। बुध का यह गोचर आपके लिए शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद रहने वाला है। इस अवधि काल में आपके सुख साधनों में वृद्धि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। माता जी की सेहत में भी अब पहले से काफी हद तक सुधार होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो लोग काफी समय से इस राशि के लोग मकान या वाहन लेने के लिए प्रयासरत हैं, उनका सपना भी अब पूरा हो सकता है। घर परिवार में आनंद भरे पल आप परिवार के साथ गुजारने वाले, किसी बुजुर्ग या सीनियर अधिकारियों का साथ मिलने से आपका कोई जरूरी महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है। जो लोग काफी समय से लंबे समय से बेरोजगार हैं, किसी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें भी रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस गोचर की यदि बात करें तो आपके लिए खुशियां और उपलब्धियां लेकर आया है। संतान पक्ष की यदि बात करें तो उन्हें भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है, जिससे आप अपने अंदर प्रसन्नचित रहने वाले। कुल मिलाकर यह गोचर काल कैरियर के दृष्टिकोण से भी आपके लिए भाग्यशाली जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो लोग परीक्षा प्रतियोगिता आदि की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी कोई बहुत बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। प्रेम संबंध के ख्याल की यदि बात करें तो यदि आप अपने रिश्तों की बात अपने घर वालों से करते हैं तो आपके लव मैरिज होने की बात पक्की हो सकती है। वहीं इस राशि के कुछ प्रेमी जोड़ों को उनका लव पार्टनर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज भी दे सकता है। शादीशुदा लोगों की बात करें तो दाम्पत्य जीवन सुखद रहने वाला है। आप दोनों एक साथ कुछ मधुर पल बिताने वाले हैं। तो दर्शकों, बुध के इस गोचर काल से मेष राशि वालों से लेकर मीन राशि वालों पर क्या कुछ होगा प्रभाव, इस कार्यक्रम में आपने देखा। आपको कैसा लगा यह कार्यक्रम, आप अपना जरूरी सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो YouTube पर इसी चैनल पे कुंडली दर्शन लाइव के नाम से एक 8 बजे कार्यक्रम आता है रात में। आप अपना सवाल कोई भी लाइव में ही डेट ऑफ बर्थ बर्थ टाइम बर्थ प्लेस देकर एक सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां लाइव में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी।